नमस्कार, जय सीताराम जी। प्राणों का संरक्षण। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि आत्मिक ज्ञान प्राप्ति हेतु जितना आवश्यक शरीर का संरक्षण है, उतना ही आवश्यक प्राणों का संरक्षण भी है। कैसे? तो इस संदर्भ में सबसे पहले जानो कि प्राण क्या है। प्राण जीवनी शक्ति है, इसने ही विश्व को धारण किया हुआ है। वह इसी की शक्ति से यह ब्रह्मांड अपने स्थान पर टिका हुआ है। तभी तो कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में स्थूल भूत यानी वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, लोक लोकांतर और सारे चराचर पदार्थ अपने उपादान कारण आकाश से प्राण शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस आधार पर वह शक्ति जो जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि में रहकर उन्हें जीवित रखती है, जिनके द्वारा जीवों में कंपन होता है और जिससे यह स्थिर होकर अपनी समस्त क्रियाएं करने में समर्थ होते हैं, प्राण कहलाती है। प्राण ही सब में व्यापक है, वह सबका पोषण करने वाला है। इसी प्राण शक्ति का सहारा पाकर सब जीवित रहते हैं और प्राणी प्राणधारी कहलाते हैं। चूंकि प्राणों के सहारे ही देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि सब सांस लेते हैं, इसीलिए प्राण सब जंतुओं की आयु यानी सर्वायुष कहलाता है। इस प्राण का शरीर से निकल जाना शरीर का अंत कहलाता है, यानी जब तक प्राण है तभी तक शरीर कार्यशील रहता है। प्राणों के अभाव में इसका कोई महत्व नहीं रहता। इसी बात को आओ अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मानो कि ये समूचा ब्रह्मांड वाष्प यंत्र है। इसके अंतर्गत जो वाष्प है वह प्राण है। इन्हीं प्राणों से इस मशीन के सारे कलपुर्जे चल रहे हैं। यहाँ प्राणपति या प्रजापति परमेश्वर इंजीनियर के समान है, जो नियम और व्यवस्था के साथ ज्ञान पूर्वक प्राण रूपी वाष्प से ब्रह्मांड रूपी मशीन को चला रहे हैं। हमें लगता है कि इस उदाहरण से आपको प्राण व प्राणपति की समझ भली भांति आ गई होगी। आइए अब जानते हैं प्राणों के प्रकार। प्राण पांच है। पहला प्राण। प्राण वायु का निवास स्थान हृदय है। यह शरीर के ऊपरी भाग में रहता है तथा ऊपर की इंद्रियों का कार्य संचालन करता है। दूसरा है अपान। अपान वायु का निवास स्थान गुदा के निकट है और यह शरीर के निचले भागों में संचालन करता है तथा निचली इंद्रियों द्वारा मल मूत्र के त्याग का कार्य इसके आश्रित है। तीसरा है समान। समान वायु शरीर के मध्य भाग यानी नाभि भाग में रहता हुआ हृदय से गुदा तक संचार करता है। खाए पिए अन्न, जल आदि के रसों को सब अंगों में बराबर बांटना इसका काम है। चौथा है व्यान। व्यान वायु सारी स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म नाड़ियों में घूमता हुआ शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर का संचालन करता है। और पांचवा है उदान। उदान वायु
सूक्ष्म शरीर को लोकांतर में ले जाता है। प्राणों के प्रकार से स्पष्ट होता है कि प्राण श्वास नहीं है और ना ही यह आत्म तत्व है, अपितु यह तो वह है जिसके द्वारा श्वास प्रश्वास आदि सहित समस्त क्रियाएं एक जीवित शरीर में होती है। इस विषय में चूंकि सब इंद्रियों का काम प्राणों के व्यापारों से चलता है और मन तथा प्राण का अपने अपने व्यापार में परस्पर एक सा ही योग यानी अप्राप्त की प्राप्ति शीन अर्थात प्राप्त की रक्षा है, यानी दोनों का पारस्परिक कार्य अंतर संबंधित है। इसीलिए प्राण प्राणायाम द्वारा इंद्रियों की प्रवृत्तियों को रोककर मन की एकाग्रता साधने में समर्थ होता है। प्राण ही हृदय धन है। क्या आपने कभी सुना है कि हम सब श्वासों की सीमित पूंजी लेकर इस जगत में आए हैं? ऐसा कहने के पीछे जानते हो कि क्या तात्पर्य है? जानो, यह कथन हमें समझाता है कि प्राण ही हमारा हृदय धन है। अतः प्राण रूपी हृदय धन को अपने जीवन का वास्तविक अमूल्य धन जानते हुए इसको भली भांति सुचारू रूप से अपने अधिकार में रखते हुए निर्मलता से अपने भीतर प्रवाहित होने दो, तभी अपनी सर्वांग स्वस्थता साधे रख जीवन का हर कर्तव्य ठीक से निभा पाओगे और अपनी अंतर आत्मा का आभास करने के साथ साथ उसकी आवाज सुनने के योग्य भी बन पाओगे। अन्यथा शरीर अनेक प्रकार के रोगों का घर बन जाएगा और विकार वृत्तियों में फंस जाओगे। इस संदर्भ में यह प्राणिक क्रिया भली भांति नियमित रूप से होती रहे, इस हेतु प्राणायाम का बहुत अधिक महत्व है। प्राणायाम प्राणों को वश में यानी अपने अधिकार में करने का नाम है। प्राणों को अपने अधिकार में चलाने वाले मनुष्य का अधिकार उसके शरीर इंद्रियों तथा मन पर हो जाता है। कैसे तो जानिए। प्राणायाम द्वारा प्राण की गति को गहरा एवं धीमा करके अथवा रोककर शरीर की आंतरिक गति को सात्विक बनाया जाता है। परिणामतः इंद्रियों की वृत्तियों व मानसिक दोषों का निरोध होता है, मन शांत व चित एकाग्र होता है तथा मनुष्य स्वस्थ एवं निरोगी रहकर दीर्घ आयु लाभ प्राप्त करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे अग्नि के संयोग से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही प्राण को रोकने से यानी प्राणायाम से मन व इंद्रियों के दोष भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ याद रखो कि मन का प्राणों से घनिष्ठ संबंध है। मन को रोकना दुष्कर प्रतीत होता है, परंतु प्राणों के निरोध तथा वशीकरण से मन का निरोध एवं वशीकरण सुगम हो जाता है। इसीलिए प्राणायाम को योग का साधन माना जाता है। आओ अब आरंभ करते हैं शरीर और प्राण को सम करने का अभ्यास। इस संदर्भ में सर्वप्रथम जानो कि बाहर की वायु को नासिका द्वारा अंदर प्रवेश कराना श्वास कहलाता है तथा ओष्ठ स्थित वायु को नासिका द्वारा बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है। आइए अब इस क्रिया को करते हैं। सर्वप्रथम अपने शरीर को
सम अवस्था में रखते हुए अफर अवस्था में आ जाएं और मुख पर प्रसन्नता ले आए। अब दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं ओर की नासिका बंद करते हुए बाएं नासिका से श्वास लें। अंगूठा हटाते हुए बाएं ओर की नासिका को उंगली से बंद करते हुए दाएं ओर से श्वास छोड़ें। बाएं ओर को बंद रखते हुए दाएं ओर से श्वास लें। व इसी प्रकार बाएं नासिका से श्वास छोड़ें। श्वास लेने व छोड़ने में बराबर समय लगाएं। व गति भी सम ही रखें। साथ ही परमात्मा के नाम का जप या अक्षर चलाते रहें। जाने बाएं नासिका से श्वास लेना व दाएं नासिका से श्वास छोड़ना तथा दाएं नासिका से श्वास लेना व बाएं नासिका से श्वास छोड़ना एक क्रम है। ऐसे 5 से 10 क्रम करके अपनी जांचना करें कि क्या श्वास दोनों नासिकाओं से सम अवस्था में आ जा रहा है। नासिका के भीतर व बाहर उसके स्पर्श का ज्ञान ना होने तक इसका अभ्यास करना है। जानो यह स्थिति लगातार अभ्यास करते रहने से प्राप्त हो जाती है। जांचना के लिए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से श्वास लें। क्या यह सामान्य है या रुकावट लग रही है?
फिर बाई नासिका से श्वास लें और देखें कि क्या यह सामान्य है या कोई रुकावट लग रही है। यदि दोनों ओर से सामान्य श्वास ले रहे हैं तो सम अवस्था है। यह क्रिया निरंतर अभ्यास द्वारा हमारे स्वभाव के अंतर्गत हो जाती है और शरीर व श्वास का स्वतः सम अवस्था में सधे रहना सहज हो जाता है। ऐसा होने पर मन भटकता नहीं व वृत्ति डोलती नहीं, ख्याल व बुद्धि स्थिर होने लगती है और परम पद की ओर हमारा पहला कदम बढ़ने लगता है। इस निहिता के दृष्टिगत आप भी अपने सच्चे घर की ओर प्रशस्त होने हेतु दृढ़ता से शरीर व प्राणों की समता साधो और आगामी कक्षा से पूर्व इस अभ्यास में परिपक्व हो जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय सीताराम जी।